शासिर, यस सर। बहुत दिन बाद आए हो, कहाँ थे? अच्छा, सर आई वॉज इन वेकेशन, आई वेंट टू इंडिया। कितने यस सर। बार? चलो, तो शासिर, हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? हम लोग केमिकल इक्वेशन इतना सीख रहे थे, ठीक है, और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था हमने। देखो, हमने सॉल्ट्स किया कि नहीं किया, सॉल्ट स्टार्ट किया कि नहीं किया? यस सर स्टार्टेड। स्टार्ट कर दिया था ना? ठीक है, तो चलो अभी मैं यहाँ पर, कौन सा सॉल्ट तक किया है हमने, जरा चेक करो। तो सर वी डिड द POP। यानी सारे शॉर्ट्स खत्म कर दी ना? ठीक यस है, सर। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ कैल्शियम सोडियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर दूसरी है कि स्लेग लाइन को जब रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो वो देता है हमें CaOCl2 प्लस वाटर। लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं है शादी, लिखना नहीं है यस सर। अभी, लिखना नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास है कास्टिक सोडा, ये हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, और अगर हम लोग अमोनिकल ब्राइन यानी सेकेंड ये हो गया, थर्ड हमारे पास है कि अगर हम लोग NaCl और पानी प्लस प्लस अमोनिया गैस, इन तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, तो ये हमें देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड एक्वस। ओके, और ये हमारे पास होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ओके, तो यस सर। इन तीनों की प्रिपरेशन को अभी याद करो, फिर बिना देखे तुमसे मैं पूछूंगा, लिख के नहीं देखना है, ऐसे ही याद करो अच्छे से। अभी याद करना है तुम्हें इन तीनों को, और जब तुम्हें याद हो जाए तो मुझे बता। देख के नहीं लिखना है, जायद देख के नहीं यस सर। लिखना है, उसको याद करो, फिर जब ओके याद सर। हो जाए तो फिर बिना देखे लिखना। याद करो अच्छे से इसमें। यस। यस सर। सर
सो मच फॉर सेव। सर व्हाट इज NH4Cl? NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड। अच्छा सर सरेनट याद हो गया? बताइए यस सर। ब्रिजिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है? इट्स इम्पोर्टेंट। CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOH नो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव CaOCl प्लस H2O CaOCl, CaOCl CaOCl2। CaOCl2। ओके बताइए मुझे कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं कास्टिक सोडा। NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। फिर से NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तुमने क्या कॉपी में देख के बोल रहे हो? तुमने लिखा है अभी क्या? तुमने ये कॉपी में देख के बोला? NaCl प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ओके डू यू आर यू यूजिंग हेडफोन? नो सर। गो एंड ब्रिंग द हेडफोन। सर बोलो। वन सेकंड।
आंसर। हाँ बोलो। हो गया यार, चलो अब मुझे बताओ कि बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं, सामने देख के इसके। नहीं सर, नहीं बोलो बोलो, बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर बेकिंग सोडा। NH3 फिर से याद करो। जी सर, मैं सोच रहा क्लोज हूँ। सर हम ऐसे ही हो गए। मैं बोलिए बोलिए, ठीक है यार, हाँ यार पसार नहीं होता, पाल नहीं टाइम होता तो ठीक है, ये होता तो डांसर। हाँ, ये जो हम बोल रहे हैं तो मजा आ कि अरे सम्मन नियर टू यू शादी, ये बैठा है के पास में, बोलो यस कि तुम पढ़ रहे हो उस वक्त, ठीक है तो यस याद हो गया। चलो एक बारी लिख के दिखाओ सारी, बिना देखे एक बारी लिख के दिखाइए सर। फटाफट से। नोट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद बेकिंग सोडा। मेरे अच्छा दमू गाड़ा कौन अच्छा है, मेरे
डन। वन सेकेंड सर, यस सर, डन। चलो अब हम लोग सवाल करते हैं। चलो एक बार चेक कर लो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, फिर से एक बार चेक करो। और अच्छे से याद हो गई ना तीनों, बस ये चेक करो। क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उसके बाद अगर याद नहीं हुई तो। चलो सर द फर्स्ट वन इज H2 राइट, नॉट H2O राइट? कहाँ पर? यहाँ पर इट इज H2, मतलब यस सर, वाटर है तो वाटर ही निकल जाएगा। सर सर देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला सही लिखा है क्या? अमोनिया सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला सही लिखा है क्या? गड़बड़ थी। चेक करो अमोनिया का फॉर्मूला सही लिखा है, और अमोनियम क्लोराइड का, अमोनिया NH3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सही लिखा है या नहीं? यस सर, करेक्ट, सही है। चलो यस सर, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और मुझे बताना कि उसमें क्या जवाब होगा। ओके okay? यस सर। चलिए शादी आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या जवाब होगा? एक्स वाई और क्या होगा इसमें, एक्स एंड वाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, لا बताइए इसमें एक्स क्या है? वो प्रिपरेशन तुमने याद करी ना, उसी के बेसिस पर ये होगा। पहले बताओ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी तो तुमने याद करी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कैसे यस सर। प्रोड्यूस होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड?
क्यों देखना पड़ रहा है उसमें, शाजिल उसमें क्यों देखना पड़ रहा है, तुमने तो याद करी है ना अभी, अभी याद करी है या नहीं करी है? तो टर्टिया होता है यस सर। फिर याद करिए तो फिर। NaCl+H2O। NaCl+H2O gives you NaOH+Cl2+H2। ओके Cl2+H2, यानी गैस जो है वो दो तरह की, एक Cl2 और एक H2 है। ओके ये जो गैस X है उसमें से बतानी कौन सी वाली गैस होती, क्लोरीन होगी कि हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि दो ही तरह की गैस होती है, प्रोड्यूस होती है। द गैस X रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव्स अ कंपाउंड Y व्हिच इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एजेंट, तो बताइए कौन सी गैस है। क्लोरीन। क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, तो किस किस किससे पास करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को, क्लोरीन गैस को, ताकि ब्लीचिंग पाउडर बने। CaOH4+ उसको हम लोग क्या प्लस बोलते सी हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, CH2 को क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम या फिर लाइम वाटर, समझ आया। तो सर। इस रिएक्शन को इसको लिखो फटाफट से, और इसमें दोनों रिएक्शंस लिखो प्रिपरेशन वाली फटाफट से, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो तेज स्पीड से। डन शादी लिख लिया, सर 1 मिनट। दोनों रिएक्शंस को लिखो जो यूज होंगे यहाँ पर, एक कास्टिक सोडा वाली और एक बेचिंग सोडा वाली, सर। बिना देखे लिखना इक्वेशन को, उसके बाद अगर फिर चेक करना कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और एक्स और एक्स और वाई को लिखो कि एक्स जो है वो क्लोरीन गैस है, वाई जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है।
फिनिश ओके okay. चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में बताइए कि बी कंपाउंड क्या होगा और उसकी केमिकल रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। देखिए बताइए, कॉमन बेस बी व्हेन कैप्ड इन ओपन एयर एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी, इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। आइडेंटिफाई बी एंड उसकी रिएक्शन लिखिए बी की विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कुछ याद आ रहा है बेटा? बी क्या हो सकता है पहले बात? बी कंपाउंड क्या हो सकता है? बताइए क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस? जो अभी तुमने पढ़ा है ना कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन, उसी को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस और अल्कली मतलब सॉल्युबल बेस NaOH बनता है। अब बताओ मुझे क्लोर अल्कली प्रोसेस की रिएक्शन कौन सी होती है? NaCl प्लस वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी टू इट विल गिव्स यू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। कॉमन बेस क्या होगा? H2 H2O कॉमन बेस होता है। बेस का नाम बताओ। सोडियम सोडियम इज बेस। ओके रिएक्शन लिखो, क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन लिखो, क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन लिखो बेटे, पहले लिखो। क्लोरीन पूरी रिएक्शन लिखो क्लोर एल्कली प्रोसेस की। NaCl प्लस एनएसएल वाटर। प्लस गिव्स एनएओएच प्लस सीएल2 प्लस एच2 हाँ तो लिखो इसे एक बारी। अब लिखो क्लोरीन लिखो इस रिएक्शन को, बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगी तुम। इसे नोट करो कॉपी में। इज तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर शादिल? मैं क्या कह रहा हूँ, सीएल क्लोरीन इज इन मैंने जो बोथ बोला है वो तुम्हें सुनाई आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा हेडफोन काम कर रहा है? तो यस मैं बोल रहा हूँ कि उस रिएक्शन को, क्लोर अल्कली प्रोसेस की रिएक्शन को लिखो अपनी कॉपी में दोबारा फिर से। क्लोरीन नहीं पता क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है? ये है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस रिएक्शन को बार बार लिखो, जब तक ये याद नहीं होगी ना तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। लिख लिया। यस ये कह रहा है ड्राई पेलेट ऑफ कॉमन बेस बी, तो कॉमन बेस तो ये रहा। इट कैन अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी। द कंपाउंड बी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस क्लोर एल्कली प्रोसेस है। दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस।
होल प्रोसेस इज क्लोरोअल्काली प्रोसेस। आइडेंटिफाई बी, बी क्या हो गया NaOH, और इसकी रिएक्शन लिखिए आप व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एन एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो बताओ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करूं तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दूं तो क्या बनेगा? अच्छा देखो ये बेस है और ये एसिड है, एसिड है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर तो बनेगा बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट का नाम बताओ क्या बनेगा? देखो Na और कार्बनेट, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आपस में रिएक्ट करती है तो बनाती है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कार्बोनेट ग्रुप आता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट ग्रुप आता है। गॉट इट? तो यस सर फॉर्मूला तो अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा कि Na की वैलेंसी कितनी होती है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na2CO3 हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब तुम NaOH की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओगे तो Na2CO3 बनेगा, ये पता होना चाहिए। चलो अगर मैंने NaOH की रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ करा दी तो क्या बनेगा? प्लस Na2SO3 Na2 नहीं होता, Na2SO4। अगर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता तब Na2SO3 होता। अभी यहाँ पे तीन है तो एक एक देखो यहाँ पे CO2 में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, CO3 हो गया। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर Na2SO4 होगा प्लस वाटर। समझ आया? सर दोनों रिएक्शंस पर लिख दो। ये वाले भी एसिडिक ऑक्साइड हो गए, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। डन सर डन। ओके okay। समझ आ गया शादल को? सर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन तो जब ही प्रैक्टिस कर पाओगे, जब अच्छे से याद होंगी चीजें ना, अगर याद ही नहीं होगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बताइए इसका क्या जवाब होगा, सर बताइए भाई इसका क्या जवाब होगा। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर दिस इज सोडियम क्लोराइड। एक्स यस सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है ए सोडियम क्लोराइड, बी वाई और ए और बी बताइए क्या होगी। व्हाई इज NaOH? सही है। नेक्स्ट ए एंड बी गैस बताइए क्या होगी। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। विच इज ए क्लोरीन और बी इज क्लोरीन। ए इज क्लोरीन। ए इज क्लोरीन। रीड द क्वेश्चन अगेन। नो सर, बी इज क्लोरीन। बी इज क्लोरीन ना। व्हाई? बिकॉज NaOH व्हेन रिएक्ट वो सॉरी यस बिकॉज बी इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ यू अंडरस्टूड ना। स्टार्ट giving me answer. So it is NaCl when added to water will gives you NaOH plus Cl2 plus H2. And this Cl2 is used for preparing bleaching powder. Okay. Yes, डन। यस सर। चलो अब मुझे बताइए कि तो हो गया सॉल्वर प्रोसेस वॉशिंग सोडा। चलो बताओ वॉशिंग सोडा जो होता है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वॉशिंग सोडा को जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। व्हाट इज वॉशिंग सोडा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा होता है जब हम इसको हीट करते हैं। व्हेन वी हीट आर यू गेटिंग हिंदी? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? शुड आई स्पीक इंग्लिश? सेकंड स्पीक इंग्लिश। ओके सो यू दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा व्हेन यू हीट इट। ओके सो ऑन हीटिंग दिस वन यू विल गेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। दिस इज सोडियम कार्बोनेट। इट इज एनहाइड्रस फॉर्म।
एंड व्हेन यू हीट व्हेन यू रिएक्ट दिस सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रा सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री विद 10 वाटर मॉलिक्यूल इट विल गिव्स यू एन ए टू सी ओ थ्री डॉट 10H2O। अंडरस्टूड? यस सो हाउ डू वी प्रिपेयर बेकिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा। रिवाइज लर्न दिस प्रिपरेशन एंड राइट द इक्वेशन 3 times। फर्स्ट लर्न इट, डोंट यस राइट इट, फर्स्ट लर्न इट। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सर आई लर्न्ड लर्न, ओके, नोट इट डाउन। Keep your camera turned on. Sorry about that. डन सर, डन। तो यस सर। टेल मी दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग वॉशिंग सोडा इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, क्वेश्चन नंबर 37। नोट दिस क्वेश्चन इन ए कॉपी।
डन सर। डन। यस सर। ओके तो कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करोगे बेकिंग सोडा वर्सेस, क्योंकि बेकिंग पाउडर को अगर हम लोग हीट करते हैं ना, व्हेन वी हीट बेकिंग पाउडर लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हेन यू हीट इट इट विल गिव यू Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो हियर यू विल नोटिस दैट CO2 गैस इज इवॉल्व ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, दिस इज बेकिंग सोडा। बट वेन यू हीट Na2CO3 दैट इज वॉशिंग सोडा, नो हीट इज इवॉल्व, सॉरी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। सो नो नोट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स दैट ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज विच विल टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके और फिर उसके बाद राइट डाउन दिस इक्वेशन आफ्टर दैट। यस सर। डन सर। डन पटेल ओके प्लेयर इसलिए मैं फिर क्या क्या लिखा व्हाट यू राइट स्पीक यू आर म्यूटेड। ऑन हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन्वॉल्व विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बट अदर अदर बट वेन यू हीट वॉशिंग सोडा नो ही नो कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। नो कार्बन। यू रोट इट हैव यस यू सर। रोट नोट इट डाउन इफ यू हैव नॉट। सेम क्वेश्चन नंबर 38 इफ यू रीड डाउन द क्वेश्चन नंबर 38 एंड टेल मी दैट व्हाट इज ए बी सी। सर ए इज बेकिंग सोडा राइट। A is baking soda, yes. Next, B. सोडियम कार्बोनेट। It is washing soda. We know that washing soda is Na2CO3.10H2, but it still is washing soda. Yeah, you write it that it is gives another salt B that is sodium carbonate. It is correct. But it is saying that it is used for removing the permanent hardness of water, which means this is washing soda. Because washing soda's one use is that it is used for removing the permanent hardness of water. Understood? Yes, sir. And C gas is evolved. Gas C is evolved. The gas
कार्बन गैसेस। डाइऑक्साइड। नाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्ट्स। यस सर। ओके, हियर इन दिस क्वेश्चन, इफ यू रीड दिस क्वेश्चन, कैन यू ओनली गैस फ्रॉम हियर? यू हैव टू राइट अ गैस जी इज ऑब्टेन एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, कैन यू गैस मी व्हाट इज जी एंड वाई हियर एंड जेड कंपाउंड? स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। अ गैस जी इज ऑब्टेन और एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन व्हिच इज पास्ड ऑन ड्राई वाई, इट गिव्स अ कंपाउंड जेड, जेड इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट फॉर किलिंग जर्म्स इन वाटर। नोट दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर इन योर कॉपी and remove this, identify y, z and g. That, tell me what is, सर yeah, सर इज जी क्लोरीन। yes, what is why? And Z, what is Z? सर 1 मिनट। Which compound is used as disinfectant for killing germs? That is bleaching powder. Bleaching यस सर। powder is used as disinfectant for killing germs. How will you prepare this one? By With passing slake chlorine gas again, to slake lime. So why is slake lime? The gas G is obtained at anode during the electrolysis of brine is passed on dry wire. So chlorine gas is passed to CaOH hole twice. yes, sir. To give this one. Understood? Yes, sir. Then water. Okay, so here, why is CaO? That is bleaching powder. And G is chlorine gas. You understood this question? Yes, sir. So try to memorize all these preparation of different salts and try to solve this some questions over it. That's all for today. We'll meet in the next class. Thanks for